प्रवासियों के आगमन के दौर के साथ ही अब बालोतरा कोरोना हब बनता जा रहा है। प्रतिदिन बालोतरा में मिल रहा पॉजिटिव का आंकड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मंगलवार को एक बार फिर से बालोतरा में कोरोना ब्लास्ट हुआ। मंगलवार को कस्बे में 12 और जसोल कस्बे में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। पहली बार इतनी संख्या में पॉजिटिव मामले सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा छूट का दायरा बढ़ाए जाने एवं प्रवासियों के निरंतर आगमन के बाद से ही बाड़मेर जिले में कोरोना मरीजों के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में कोरोना का विस्फोट होता नजर आया, जहां एक साथ 14 कोरोना मरीज मिलने से कस्बे में हड़कंप मच गया है। इसी के साथ बाड़मेर जिले के मरीजों की संख्या बढ़कर 210 हो गई है। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में बालोतरा में 12 एवं जसोल में 2 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। मेडिकल टीमों ने कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस की सहायता से कोविड केयर सेंटर पहुंचाया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पड़ताल शुरू की है। गौरतलब है कि बालोतरा की सब्जी मंडी से शुरू हुए संक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहाँ सबसे पहले एक फल विक्रेता के पॉजिटिव आने के बाद सब्जी मंडी से जुड़े कारोबारियों के सैंपल लेने का सिलसिला शुरू हुआ था और सैंपल लेने के दौर के साथ ही पॉजिटिव मरीजों की तादाद भी बढ़ती नजर आ रही है, जो कस्बे वासियों एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बालोतरा उपखंड मजिस्ट्रेट रोहित कुमार ने मंगलवार को असाड़ा एवं नाकोड़ा स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा कर जायजा लिया और अधिकारियों को नियमित साफ सफाई के साथ व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। आज आए सभी पॉजिटिव मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए कोविड केयर सेंटर भिजवाया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को बालोतरा की वार्ड संख्या 35 से 4, शास्त्री नगर कॉलोनी से 2, गांधीपुरा से 3, वार्ड संख्या 37 से 1, वार्ड संख्या 35 से 17 से 1-1 मरीज एवं जसोल से 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए कर्फ्यू लगा दिया और प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन रोक के साथ पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है।